भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद पर कड़ा बयान देते हुए कहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में भी आत्मरक्षा का अधिकार लागू होता है। भारत ने कहा है कि आत्मरक्षा के अधिकार में ये बात बेमानी है कि हमला किसी देश ने किया है या फिर साजिश के तहत उस देश से धरती से जुड़े हुए लोगों ने किया है। दरअसल पाकिस्तान को बिना नाम लिए भारत ने घेरा है ये कहते हुए कि हमला चाहे कोई देश करे या देश में पनपे नॉन स्टेट एक्टर्स करे। आपको याद दिला दे, पाकिस्तान दुनिया भर में जब भी भारत में कोई आतंकी हमला होता है उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते रहे हुए कहता रहा है कि ये तो पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपने जवाब देने के अधिकार के तहत भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान में मानवाधिकारों के हनन की हकीकत सामने रख दी। तो एक बार फिर से पाक को मुंह की खानी पड़ी है। पाक में अल्पसंख्यकों के अत्याचार का मुद्दा भारत ने उठाया UNHRC में। India is exercising its right of reply in response to the statement by representative of Pakistan during the high-level segment. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर के ही मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान की काली करतूतों का पूरा चिट्ठा खोल दिया। संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मिशन में सेकंड सेक्रेटरी सीमा पुजाना ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों के हनन की करतूतों को पूरी दुनिया के सामने फिर से बेनकाब कर दिया। The violence, institutionalized discrimination and persecution faced by Pakistan's minorities, including Christians, Sikhs and Hindus, has continued unabated. There have been frequent attacks on the places of worship of minority communities, a grave violation of their right to freedom of religion and belief. आतंकवाद पर भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को न सिर्फ घेरा बल्कि उसकी पूरी पाप कुंडली बता दी। The recent acquittal of Omar Syed Sheikh, the Al-Qaeda terrorist and murderer of the American journalist Daniel Pearl, by the Pakistani Supreme Court is a clear example of the Pakistani establishment's nexus with such entities, and as the US Secretary of State said, it's an affront. भारत ने ये जवाब तब दिया जब पाकिस्तान ने इसी मंच से भारत पर निशाना साधते हुए एक भाषण दिया था। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़।